अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने रतिया क्षेत्र के अनेक गांवों में जन अभियान चलाया हुआ है। मजदूरों की समस्याओं को लेकर मनरेगा मजदूरों को एक साल में 250 दिन काम, 600 मजदूरी की जाए और मनरेगा मजदूरों को राशन व कोरोना जांच के लिए सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की जाए। सरकार द्वारा सहायता राशि 500 रुपये निकलवाने के लिए बैंक के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता है। किसानों का अनाज नहीं खरीदा जा रहा, दूसरी तरफ गोदामों में पड़ा अनाज सड़ रहा है। अन्य मांगों को लेकर कमेटियां बना लड़ेंगे मजदूरों के हित की लड़ाई। जी हां, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का बनाया संयोजक सहनाल अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन द्वारा पूरे देश में मजदूरों की समस्याओं को लेकर जन अभियान रतिया क्षेत्र के अनेक गाँव में चलाया हुआ है। धर्मपाल की अध्यक्षता में मीटिंग को संबोधित करते हुए जिला प्रधान रामचंद्र शहनाल ने बताया कि इस कोरोना की महामारी में मजदूरों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के पास रोटी रोजी का भारी संकट आ चुका है, इसलिए खेत मजदूर यूनियन पूरे देश में मनरेगा के 250 दिन करने के बारे में और 600 रुपये मनरेगा की दिहाड़ी करने के बारे में प्रति व्यक्ति कम से कम 20 किलो गेहूं, 10 किलो चावल प्रति व्यक्ति तथा 14 अन्य रसोई की वस्तुएं डिपो पर देने के बारे में सरकार से मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसानों का अनाज नहीं खरीदा जा रहा, दूसरी तरफ है कि गोदामों में अनाज सड़ रहा है, आम जनता को अनाज नहीं बांटा जा रहा, इसलिए सरकार की मजदूर विरोधी नीति साफ झलक रही है। 40% महिलाओं के खातों में सिर्फ 500 डालकर मोदी सरकार इस कोरोना महामारी में मजदूरों को बेतहाशा नाराज कर रही है, इसलिए अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने मजदूरों को आह्वान किया है कि मनरेगा राशन तथा कोरोना के बीमारी के सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की जाए। इन मुद्दों को लेकर पूरे देश में अपने गाँव में कमेटियां बनाते हुए सड़कों पर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, इसलिए मजदूरों को अभी से तैयारी करनी चाहिए, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। आज ये शिक्षा शिविर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन रतिया तहसील के कार्यकर्ताओं का यूनियन के संदर्भ में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का उद्देश्य और लक्ष्य है और मौजूदा दौर के अंदर खेत मजदूरों के सामने कौन सी चुनौती है और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस मामले के ऊपर विचार विमर्श करते हुए आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। और इसी को लेकर आज अभी रतिया ब्लॉक के अलग अलग गाँव के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ी देर में शुरू करेंगे प्रशिक्षण शिविर और उसमें विशेष रूप से ये जो संकट है आज का, खास तौर के ऊपर रोजगार का जो संकट है, महंगाई का संकट है और खेत मजदूरों के सामने जो आज चुनौती है रोजगार के सवाल को लेके और कुल मिला के जो सरकार की नीतियाँ हैं, जिन नीतियों का गरीब जनता के ऊपर जो असर पड़ रहा है आज, उस असर में क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं खेत मजदूरों के रोजी रोटी के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनके शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर, उनके रोज़मर्रा का जो जीवन है, उनका जीवन सत्र के ऊपर जो आज असर है कोरोना की महामारी में लॉकडाउन के चलते, उस प्रभाव के अंदर खेत मजदूरों के लिए क्या किया जाए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उम्मीद कर रहे थे, आम जनता ने लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र की और राज्य की जो सरकार है उस जनता के साथ धोखा किया है। जो जनता ने उम्मीद की थी कि भी इस लॉकडाउन में जनता ने, आम लोगों ने जो सरकार को पैसे दिए, अभी उससे हमारे को कुछ राहत मिलेगी। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि आज खेत मजदूर उम्मीद कर रहे हैं कि 7500 रुपये प्रति परिवार उनके खाते में डाले जाएँ, 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति, चाहे वो बीपीएल का है, एपीएल का है, तमाम लोगों के हर मतलब महीने 10 किलो अनाज बिना शर्त दिया जाए और नरेगा के अंदर 250 दिन का काम और 600 रुपये जारी किए जाए, तो बिल माफ किए जाए। तो ये मोटे तौर पर जो सवाल आज हम ये गांव मुंशीवाड़ा में मजदूरों की मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नरेगा का जब भी मस्टोल निकलता है, यदि लोग 150 लोगों की डिमांड देते हैं तो 50 लोगों के नाम ही छोड़ देते हैं। बड़ा अफसोस है कि जब वो चेक करते हैं पता नहीं बोले जी किस कारणवश रह गए, कोई दफ्तर के लोग जवाब नहीं दे पाते। इसलिए हम इस नरेगा में जो फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ, नरेगा की दिन बढ़ाए जाएं, दिहाड़ी बढ़ाई जाए और सफेद कार्ड पर भी सभी लोगों को राशन मिले, क्योंकि देश में राशन 7.5 करोड़ टन मन पड़ा है, गोदामों में सड़ रहा है,
और उसके लिए अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन पूरे देश में एक अभियान चलाए हुए है, इसलिए हम गांव गांव में ये मीटिंगें कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन जिला प्रधान रामचंद्र सनाड़। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा।